हेलो दोस्तों, वेलकम टू सानन जीआईडीसी। हाजिर हूँ एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। तो फ्रेंड, आप काफ़ी टाइम से अहमदाबाद में जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है और आपको कोई एचआर का कांटेक्ट नहीं मिल रहा है या आपको किसी का रेफरेंस नहीं मिल रहा है और आप काफ़ी टाइम से परेशान हैं। तो मैं एक टाटा मोटर्स कंपनी में वैकेंसी का अपडेट के साथ आ गया हूँ। आप बिना मिस करे और बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। कैसे अप्लाई करना है, एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ तक आपको बस आने वाली है, बस क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, कितना घंटा काम करना रहेगा और कैंटीन में खाने में क्या मिलता है और कैंटीन का चार्ज कितना है और आपके इन हैंड कितना सैलरी आएगा, सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही जॉब वैकेंसी का वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप तुरंत ही बिना स्किप करे आप तुरंत ही जॉब का वीडियो देख सके। तो फ्रेंड, जॉब सानन जीआईडीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टाटा मोटर्स में 2020 में रिक्वायरमेंट निकला है, 200 कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाला गया है और इसमें आपको 12,000 से लेकर 22,000 तक की सैलरी मिलने वाली है और आपको कैंटीन और बस की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। तो फ्रेंड, ये वैकेंसी की सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा करने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको एचआर का नंबर भी शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर्स कंपनी में वैकेंसी निकला है, जो कि अहमदाबाद के पास में जो सानंद प्लांट है वहाँ से रिक्वायरमेंट निकला है और इसमें आपको कैंटीन, बस और EHS और ओवर टाइम की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। ये कंपनी के बारे में लिखा गया है, मतलब कि टाटा मोटर्स कंपनी में टियागो, टिगोर और नेक्सॉन का इंजन मैन्युफैक्चर किया जाता है और टियागो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। वहाँ पे रोटेशन शिफ्ट चलता है, ABC, आपको तीनों शिफ्ट में काम करना रहेगा। वहाँ पे चार कैंटीन है और पांच शॉप है, TCF शॉप, फील्ड शॉप, प्रेस शॉप, पावर टेन और CMS। तो आपको पांच शॉप में से किसी एक शॉप में डाला जाएगा, आपको वहाँ पे क्या क्या काम करना रहेगा वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो प्रेस शॉप में वहाँ पे जो कार का बॉडी रहता है उसको प्रेस किया जाता है, वेल्ड शॉप में पूरी बॉडी को वेल्ड किया जाता है, पेंट शॉप में जो कार का पेंट होता है वो होता है, उसके बाद आगे आता है गाड़ी, और TCF शॉप में विंडोज़, उसके बाद टायर, इंजन वो सब असेंबल किया जाता है, वो एक TCF शॉप को आप असेंबली शॉप भी बोल सकते हो। उसके बाद पावर ट्रेन में कार का इंजन मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंटरव्यू का डेट है 20 सितंबर 2022 और आपको 8 बजे से पहले, मतलब कि 8 बजे से 9 बजे से 9 बजे के बीच में आपको कंपनी के एचआर बिल्डिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करवा देना है। उसके बाद आपको, जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करने के पहले आप बाइक लेके गए हो तो प्लीज़ हेलमेट लेके जाइए, नहीं तो आपको कंपनी गेट के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगा। और मास्क और सैनिटाइजर होना चाहिए आपके पास, और आपको ऐसा नहीं है मतलब कि आपको शूज़ पहन कर जाना है। कभी कभी मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो स्लीपर पहन के कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, आपका आपका बगीचा नहीं है वहाँ पे, वो सिक्योरिटी वाले आपको वहाँ पे गेट के अंदर एंट्री भी नहीं देंगे। तो प्लीज़ आप हो सके शूज़ पहन के ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दो, मतलब कि दो तरह की वैकेंसी है, एक अप्रेंटिसशिप और एक रहता है एक अप्रेंटिस, आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रेंटिस, और एक दूसरी वैकेंसी रहती है कंपनी ट्रेनिंग। तो दोनों वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जो लोग फ्रेशर है, किसी कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है, 2022 में ही ITF क्लियर किया है, तो उन लोगों के लिए अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें अप्रेंटिस वाले बंदों की एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। और आपको अप्रेंटिस में आप अप्लाई करते हो तो आपको कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी शूज़ और यूनिफॉर्म की फैसिलिटी मिलेगी, और आपकी जो कंपनी ट्रेनिंग, जो कि आपके पास 10th ITI और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कंपनी ट्रेनिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको कंपनी ट्रेनिंग में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक ओवर टाइम की फैसिलिटी मिलेगी और एक आपका
EHS का जो फैसिलिटी है वो भी मिलने वाला है। वो सिर्फ अप्रेंटिस वालों को वो दो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जिन लोगों के पास एक साल का एक्सपीरियंस है उन लोगों को वो फैसिलिटी मिलने वाली है। ट्रेड की बात करें तो फिटर, वेल्डर, MMV, MD, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, उसके बाद ये जो है जो लोग एक साल का एक्सपीरियंस है उन लोगों को 18 साल से 25 साल के बीच में एज है तभी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे इन लोगों को जो फैसिलिटी मिलेगी तो वो है कैंटीन, ESIC, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी शूज, यूनिफॉर्म प्लस ओवरटाइम मिलने वाला है। तो फ्रेंड जो लोग कंपनी ट्रेनिंग पे अप्लाई करेंगे उन लोगों को एक ओवरटाइम की फैसिलिटी मिलेगी। आपका 8 ही घंटे का काम रहेगा, आप 8 घंटे जॉब करते हो उसका 12,000 सैलरी है, और आप जब 1 घंटे भी कंपनी में ओवरटाइम करते हो तो आपको 85 रुपीस ओवरटाइम मिलने वाला है। कितना? 85 रुपीस। उसके साथ आप 4 घंटे भी कंपनी में ओवरटाइम करते हैं तो आपका हो जाता है 20, उसके बाद 800 रुपया आपको अलग से सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। मंथ में आप 4 बार ही ओवरटाइम करते हैं, वीक में सिर्फ एक ही दिन आप 12 घंटे जॉब करते हैं, बाकी सारे दिन 8-8 घंटे जॉब करते हैं, तो आपको 1600 रुपया अलग से सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब कि आपका जो इनहैंड सैलरी है वो 12,500 प्लस आपका 1600 रुपया ये ओवरटाइम का हो जाएगा। तो टोटल आपकी जो सैलरी रहेगी वो होगी 14,500 रुपया आपकी इनहैंड सैलरी हो जाएगी। फ्रेंड तो आप टाटा मोटर्स कंपनी में जॉब करके मंथली 14,000 से 15,000 तक की सैलरी आप कमा सकते हो, और इसमें हार्ड वर्किंग कुछ भी नहीं है। मतलब कि वहाँ पे आपको सिर्फ आपके टेशन का ही आपको ध्यान रखना है, आपके टेशन पे ही खड़े रह के आपको काम करना है। और आप टाटा मोटर्स कंपनी में जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जब एसिप में आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको सीधा ही 6 बजे आपका पंचिंग इन रहेगा, 6 बजे आपको चाय नाश्ता मिलेगा, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको खाना मिलेगा, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको चाय मिलेगा, उसके बाद आपका शिफ्ट आउट होगा। आप बी शिफ्ट में आते हैं तो कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा, जैसे ही आप 3 बजे आएंगे आपको चाय नाश्ता मिलेगा, 2 घंटे के बाद आपको खाना मिलेगा, 2 घंटे के बाद आपको चाय मिलेगा, उसके बाद आपका शिफ्ट आउट हो जाएगा। नाइट शिफ्ट में आते हो तो आपको आने के बाद तुरंत ही आपको चाय नाश्ता मिलेगा, उसके बाद 4 बजे आपको चाय नाश्ता मिलेगा, उसके बाद 6 बजे आपका शिफ्ट आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, लेकिन आपको इंटरव्यू देने के लिए कंपनी गेट पे आना है। ये एड्रेस आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एड्रेस के बारे में बात करते हैं तो आपको सानंद में आने के बाद गूगल मैप पे सर्च करना है टाटा मोटर्स नैनो प्लांट गेट नंबर 2। ओके, तो वहाँ पे आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा लोकेशन, नहीं तो आप सानंद में आने के बाद ऑटो वहाँ से पकड़ के आप बोल सकते हो कि मेरे को टाटा मोटर्स गेट नंबर 2 पे जो प्लांट है वहाँ पे जाना है, तो आपको छारोडी चौकड़ी तक बस रिक्शा मिलेगी, छारोडी चौकड़ी से आपको दूसरी रिक्शा मिलेगी जो कि वहाँ पे भी आपका 10 रुपये चार्ज लेंगे वो लोग और आपको गेट के आगे तक रख देंगे। तो फ्रेंड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको मैं रिप्लाई दूंगा कमेंट का। और इंटरव्यू आपका 20 तारीख को होने वाला है कंपनी गेट पे, तो आपको 20 तारीख को कंपनी गेट पे आना है। जो लोग बाहर दूर से है इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे MP, UP, बिहार और अहमदाबाद से 200-300 किलोमीटर उनका जिनका घर दूर है, वो लोग एक दिन पहले आ जाए और अपने लिए एक होटल या किसी कोई फ्रेंड का रूम अरेंज कर सकते हो। आपको एक दिन के लिए रहने के लिए वहाँ पे रूम मिल जाएगा, तो आप किसी होटल में भी रुक सकते हो और होटल में रुकने के बाद दूसरे दिन इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। कोई भी आपको डाउट है नीचे कमेंट करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और सानंद JDC के यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे ही जॉब वैकेंसी के वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको HR का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो सानंद JDC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jobsanandjdc.com, तो मैं आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वो आपको कैसे जाना है। तो फ्रेंड आप गूगल पे सर्च कीजिए जॉब सानंद JDC, तो आपको यहाँ पे जो वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे
ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब सानंद जीआईडीसी की, यहाँ पे आपको अनपढ़ से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी जॉब वैकेंसी की अपडेट मिल जाएगी। ये टाटा मोटर्स की वैकेंसी है, नहीं तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो और यहाँ पे टाटा मोटर्स का एक कैटेगरी दिया है, आप टाटा मोटर्स पे क्लिक करेंगे तो टाटा मोटर्स में जो कि सुकमा कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लोमा वालों के लिए, आईटीआई के लिए, बीई बीटेक के लिए, सबके लिए जो भी वैकेंसी आती है टाटा मोटर्स की, सारी वैकेंसी आपको टाटा मोटर्स के एक ब्लॉग पे देखने को मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक पिन कर दिया है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नई जॉब वैकेंसी के साथ।